राधिकायस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोलो हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला ब्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं नवद्वीप है न ग्राम त्रिभुवन नाही जहाँ अवतीर्ण होला चैतन्य गोस्वामी। कहते श्री नवद्वीप धाम जैसे जगत में इतना बड़ा धाम जगत में कुछ हो है ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म ग्रहण किया है, हैं? इसलिए श्री कहते श्री अनंत संहिता में शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं। बोले पार्वती ये बात लोगों को विश्वास होना बड़ा कठिन है लेकिन बात सही है। कहते पार्वती पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है अगर कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों बार सारे तीर्थ घूम ले उसको जो सुकृति व पुण्य मिलेगी अगर एक बार श्री नवद्वीप धाम अगर कोई दर्शन कर ले वैष्णव का अनुगत्य से उससे करोड़ गुण ज़्यादा उसको पुण्य मिलेगी, करोड़ गुण उसको ज़्यादा भगवत भक्ति भगवत प्रेम मिलेगा। इसलिए श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा की बड़ी महत्व है। इसलिए कलयुग में जितने ब्रह्मा शंकर नारद इंद्र चंद्र ये सब के सब कलयुग में नवद्वीप में जन्म लिया, सबके सब नवद्वीप में जन्म लेकर के इन लोगों ने भगवान की आराधना की है, इसलिए नवद्वीप धाम की बड़ी महिमा है। कहते अवतरिबिन प्रभु जानिया विधाता सकल संपूर्ण करी थुइले न तथा। कहते अभी भगवान जब अवतीर्ण होएंगे इसलिए कहते जो विधाता ने हैं कहते ब्रह्मा जी ने क्या किया ठाकुर जी यहाँ अवतीर्ण होंगे इसलिए उनने पहले क्या किया उन्होंने पूरा नवद्वीप धाम को पूर्ण करके सब कुछ वहाँ पर रख लिया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लेंगे जब ज्योति से उनका नामकरण करेंगे इनका एक नाम उन्होंने विश्वम्भर नाम रखा। बोले विश्वम्भर नाम मतलब क्या, बोले विश्वों को जो भरण पोषण करने वाले हैं भरण पोषण करने वाले। इसलिए ज्योतिष कहते हैं नीलांबर चक्रवर्ती कहते बच्चा जन्म होने से पहले पूरा संपूर्ण पृथ्वी को हैं एकदम हरा भरा हो गया सस्य हैं श्यामल लता पता फल फूल से पूरा ये नवद्वीप धाम सज गई। इसलिए ये जन्म होते ही उन्होंने सबको खिलाना पिलाना हैं सबको उन्होंने भरण पोषण किया है इसलिए इनका एक नाम रख लेते हैं विश्वम्भर। मतलब विश्वों को जो भक्ति से प्रेम से व खाना पीना से जो जगत को भर दे इसलिए जगत का नाम विश्वम्भर। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जैसे कृष्ण जन्म होने से पहले हैं कहते अतः सर्व काल पेत काल परम शोभन। भगवान जन्म ग्रहण करेंगे
इसलिए अपने आप ये संपूर्ण पृथ्वी दुल्हनी जैसे सज गई। अतः सर्व काल पेद काल परम शोभनम, जितने ऋतु जितने हैं कहते फल फूल से पूरा वृंदावन धाम सज गए। वो क्यों ठाकुर आ रहे हैं ना, भगवान आ रहे हैं, इसलिए नवद्वीप धाम को पूरा सजा धजा कर रख दिया। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ये सब कुछ तो रख दिया, लेकिन पहले का कैसे स्थिति थी, बोले सबे महा अध्यापक करी गर्भ धरे बालको भट्टाचार्य सने कक्षा करे। तो विद्वता को ऊपर में कह रहे वृंदावन नवद्वीप धाम में विद्वता कैसे था, पांडित्य कैसे था, बोले पांडित्य कहते महा अध्यापक करी गर्भ धरे, कहते जो छोटे छोटे जो बालक है ना इनके अंदर में इतने विद्वता है, साधारण बालकों के अंदर में वो क्या करते, जो भट्टाचार्य जो बड़े बड़े जो विद्वान हैं, छोटे छोटे जो बालक है वो बड़े बड़े विद्वान को साथ में तर्क वितर्क करते हैं। कहते छोटे छोटे बालकों के अंदर में इतने ज्ञान था, केवल खाना पीना ये सब चीज़ को दे दिया ऐसे नहीं, कि छोटे छोटे बालक के अंदर में भी ऐसे विद्वता प्रकट हो गई, बड़े बड़े भट्टाचार्यों के साथ में बड़े बड़े सठाचार्य सबके जो पढ़े हुए जो हैं उनको साथ में भी क्या करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, उनको साथ में भी शास्त्रार्थ करते थे। इसलिए उसी समय में हैं कहते ये इसको नवद्वीप धाम को कहते हैं, अगर जब तक कोई नवद्वीप धाम में लिखा पढ़ा नहीं कर ले तब तक वो संपूर्ण विद्या रस उसको प्राप्त नहीं होता था। अगर सबसे अगर कहीं बड़ा डिग्री लेना हो कहते नवद्वीप धाम से ही अगर कोई पढ़े उसको सबसे बड़ा डिग्री तभी मिलेगा उसको, हैं तभी मिलेगा उसको। बोले रमा दृष्टि पाते सर्व लोक सुखे वैसे व्यर्थ काल जाए मात्र व्यवहार रसे। कहते नवद्वीप धाम में कहते रमा मतलब लक्ष्मी, उनका तो बड़ी कृपा है नवद्वीप धाम में, हैं बड़ी कृपा, खाना पीना सब चीज़ में किसी कमी नहीं, लेकिन कमी केवल एक चीज़ से, केवल एक चीज़ से कमी। बोले वो कौन सा चीज़ से कमी है, कहते हैं व्यर्थ काल जाए मात्र व्यवहार रसे। केवल उन्होंने साधारण संसार का जो बात खाना पीना बेटा बेटी नाती पोती ये जो दुनियादारी जो बात में ना केवल इसी में ही इनके समय व्यतीत होता था, लेकिन भगवान की भजन नहीं करते थे, भगवान की भक्ति नहीं करते, खाना पीना तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं था। इसलिए कहते शास्त्र पढ़ाई या सबे यही कर्म करे श्रोतार सहित जम पासे डूबे मरे। शास्त्र पढ़कर क्या करते थे, हैं शास्त्र का तात्पर्य क्या है, हैं विद्या पहले सुन रहे थे ना, विद्या का तात्पर्य क्या, बोले सा विद्या जतन मतिर जया, उसी को ही विद्या कहते हैं। अगर तुम्हारी मति भगवान में लग जाए, विद्या भागवत अवधि हैं, विद्या की असली तात्पर्य क्या है, विद्या पूर्ण रूप में कहाँ परिपूर्ण होता है, जब ये विद्या भगवान की भजन में पा ये श्रीमद् भागवत में जब ये विद्या लग जाए हैं, तभी ये विद्या को विद्या कहते, नहीं तो उसको विद्या से अविद्या भेला, नहीं तो कहते वो विद्या नहीं वो अविद्या है, उसको विद्या नहीं कहते। अगर वो पढ़ करके महाप्रभु बोले ना विद्या पढ़ के न, पंडित जी वो कह रहे हैं विद्या पढ़ के न, इसलिए क्या विद्या पढ़ कर सारा दुनिया को जय करते रहोगे, बोले विद्या पढ़े के न, बोले कृष्ण भक्ति जानी वारे, इसलिए हम विद्या पढ़ते हैं कृष्ण भक्ति को जानने के लिए। से यदि नहीं लो, अगर सारी लिखाई पढ़ाई कर दिया लेकिन भजन में कोई मतलब नहीं, भजन में कोई मतलब नहीं हैं, से यदि नहीं लो, बोले विद्या की करे, तो विद्या कौन सा काम है, क्योंकि ए देहा छाड़िया चली ले, जब ये शरीर छूट जाएगा ये सब डिग्री फिग्री कोई काम नहीं करेगा, वहाँ पर तो एक ही काम करेगा पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, यही काम और कोई काम नहीं आएगा, वो एक ही काम आएगा। अगर तुम्हारे अंदर भी कोई गुण नहीं, क्योंकि मंदिर में आते ना बोले महाराज जी हम तो कोई लिखा पढ़ा कुछ कियो ही ना हैं, स्कूल गए ही ना, तो गुरु जी कहते थे कोई ज़रूरत नहीं लिखा पढ़ा करने का, बस राम राम कृष्ण कृष्ण बोलते रहे हैं बस, अगर भगवान के राम कृष्ण कृष्ण बोल दिया तो गुरुदेव कहते थे सब पढ़ाई हो गया तुम्हारी और कोई चीज़ पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि सारे शास्त्र का निचोड़ तो प्रभु का नाम ही है ना, जब प्रभु का नाम में तुम्हारी गुरुदेव कहते, जब प्रभु का नाम में रुचि हो गया गुरुदेव कहते तुम्हारी वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ाई हो गया,
सब पढ़ लिया तुमने और पढ़ने का ज़्यादा जरूरत नहीं, बस हाथ में सेवा करो और मुंह में प्रभु का नाम लिया करो। गुरुदेव ये कहते थे, हैं बोले कुछ ज़्यादा करने का जरूरत नहीं, क्योंकि लिखिया पढ़िया लोगों गलो छारे खारे, ज़्यादा लिख पढ़ कर लोग सब बर्बाद हो गए। कहते कृष्ण महामहोत्सव बंची लता हरे, महाप्रभु कह रहे हैं उसको कृष्ण प्रेम रूपी जो महामहोत्सव से जी वंचित हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं शास्त्र पढ़ कर लोग करते हैं कि आप लोग श्रोता को साथ में जम पास में डूब करके मरते हैं, और सुनने वाले और बोलने वाले ये दोनों ही जाकर जम पास में मतलब नरक में जाकर डूब करके मरते हैं, हैं क्योंकि इसमें कृष्ण भक्ति नहीं भजन नहीं। बोले नाबाक है ने जुगा धर्म करे न कीर्तन, पढ़ते तो है शास्त्र को। कहते गीता रामायण जेबा सब विरक्ति तपस्या अभिमानी था सवार मुख नाही हरिध्वनि, गीता भागवत जे जन जनाए पढ़ाए भक्ति व्याकर नाई तरे जिवाए। गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, हैं वेद पढ़ते हैं, विरक्ति है, तपस्वी है, सब कुछ है, लेकिन क्या मुंह में भगवान का नाम नहीं, भगवान की नाम नहीं। इसलिए हमारे श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं बोले की बाजति सती की बा नीच जाती जय हरि नाही भजे तबे जनमिया भ्रमिया भ्रमिया रौर बनारके माजे। इसलिए कहते की बा जति की बा सती, जति मतलब सन्यासी, बा सन्यासी बा कोई जति सती कोई सती हो जेही हरि नहीं बजे, अगर हरि का भजन नहीं करते हो तबे जन्मिया भ्रमिया भ्रमिया क्या होगा, संसार चक्कर में भटकते रहोगे और रौरव नरक मच नरक जाओगे, हैं बस। लेकिन कुछ भी नहीं जानते भजन करते बस हो गया, कुछ ज़्यादा करने का जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं नाबाक है ने जुगा धर्म कृष्ण कीर्तन, गीता भागवत पढ़ रहे हैं लेकिन आपस आप तर्क वितर्क को लेकर के केवल बड़े पंडित हैं ना, बड़े विद्वान हैं, हैं बड़े विद्वान बड़े पंडित हैं, इसलिए केवल शास्त्र में तर्क वितर्क में लग रहे थे। लेकिन कलियुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे बरा ये नहीं करते, ये नहीं करते हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव जब वेदांत सूत्र को लिखे, हमारे गुरुदेव ने बहुत बड़ा वेदांत सूत्र, सबसे बड़ा जो कठिन ग्रंथ है जो वेदांत सूत्र, उनको गुरुदेव ने चार विभाग में विभाग उसको प्रकाशित किया। गीता बलदेव विद्या भूषण विश्वनाथ चक्र ठाकुर गीता को गुरुदेव ने ये गीता प्रकाशित किया है, और जो उपनिषद है 11 उपनिषद हैं। इसलिए शास्त्र में बताया तब तक किसी को संप्रदाय नहीं मानी जाती है अगर ये तीन ग्रंथों के ऊपर टीका अगर नहीं हो तुम्हारी, उसको संप्रदाय में नहीं लिया जाता है। इसलिए सारे संप्रदाय में इसको कहते हैं प्रस्थान त्रयी, उसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ये तीनों ग्रंथों के ऊपर में तुम्हारी संप्रदाय का अनुरूप कोई टीका होनी चाहिए, है तब उसको कोई संप्रदाय मानी जाती है। इसलिए मेरे गुरुदेव ने बड़ा विद्वान थे, बड़े पंडित थे, इसलिए उन्होंने ये तीनों ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया मेरे गुरुदेव। लेकिन प्रकाशित किया उस समय यूनिवर्सिटी के जो सबसे बड़े जो प्रिंसिपल जो सबसे बड़े विद्वान थे उस समय में बंगाल में, लेकिन उसका जो प्रूफ संस्कृत भाषा में कोई दोस्त तो नहीं रह गई, इसलिए उन्होंने वो बड़े विद्वान को देखकर उन्होंने चेकिंग कराया था, है उनको चेकिंग कराया था कोई इसमें कोई गड़बड़ी नहीं रह जाए संस्कृत विषय पर, जिनको सब कुछ करवाया। एक दिन गुरुदेव उसको पूछ रहे बोले क्यों पंडित जी, गुरुदेव कह रहे बोले क्यों पंडित जी सारे ग्रंथों को तो अप्रूव रीडिंग करवाया, पता क्या चला तुमको, पता क्या चला, बोले काली माँ ही सब कुछ बंगाल में काली माँ को पूजा करते ना, हैं बोले काली माँ ही सब कुछ है। गुरुदेव इसको कथा में कहते थे देखो, हैं कहते देखो इतने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतने शास्त्र को जान लिए और सारे ग्रंथ को उन्होंने प्रूफ रीडिंग किया सब कुछ, लास्ट में काली माँ ही सब कुछ। और गौड़िया मठ में कोई एक बच्चा था, कोई एक तब वो कह रहा था हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, मंदिर में कुछ हुआ ही नहीं। तब हमारे गुरुवर्ग कहते थे
बोले इतना दिन तक तुमने गौड़ीय मठ में आकर क्या समझा? बोले एक ही बात समझा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है। तब हमारे गुरु जी कहते थे, बस सब गीता भागवत रामायण पुराण तू सब पढ़ लिया, ये तो समझाना है, इतने चीज ही समझना है, कृष्ण ही सब कुछ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। अगर इतने बात किसी ने समझ गया, गुरुदेव कहते थे बस, बड़े बड़े विद्वान भी कहते थे, बड़े बड़े विद्वान भी ये चीज को समझ नहीं पाए, वो काली माँ आप ही सब कुछ समझ गया, लेकिन तुमने कृष्ण ही सब कुछ है, अगर ये चीज समझ गया तो बस तुम्हारे सब तो ग्रंथ पढ़ना हो गया। बड़े बड़े विद्वान पढ़ करके भी ये चीज को समझ नहीं पाए, इसलिए यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर यही चीज समझा रहे हैं। जो तपस्वी विरक्ति जोगी भोगी कहते, ये लोग क्या करते थे, गीता भागवत भी पढ़ते थे, लेकिन कृष्ण भक्ति का व्याख्या नहीं, और मुँह में ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही चीज को समझ में नहीं आता था। बोले तुलसी मंजरी सहित गंगा जले, निरवधि सेवे कृष्ण महाकुतुहले, तभी तो अद्वैत सिंहामार बढ़ाई, वैकुंठ वल्लभ यदि देखाई हेताई। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य क्या करते थे, उन्होंने सोचा जब तक मेरे प्रभु को मैं जगत में प्रकट नहीं कर पाऊंगा तब तक इनका कल्याण होना कठिन ही है। इसलिए हम पहले श्रवण कर रहे थे, हैं क्या सर श्रवण कर रहे थे, कहते कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, कहते ये अद्वैत आचार्य सदाशिव महाविष्णु हैं, कहते ये हरिनाम संकीर्तन को जगत में ये प्रचार कर सकते थे, इनके अंदर में शक्ति है, लेकिन ये तो बोले ये तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो कलयुग जो ये धन्य कलयुग है, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के महाप्रभु जो वो प्रज प्रेम राधा रानी की जो निकुंज की जो सेवा को प्रदान करते हैं, ये काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो मेरे प्रभु श्री सचिनंदन गौरहरी कर सकते हैं। और ये धन्य कलयुग है, और इसी कलयुग में मतलब ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग को बाद में एक बार इसी जगत में महाप्रभु आते हैं, हर समय नहीं आते हैं, और ये जो आया है ये 1000 चतुर्युग को बाद में ये कलयुग आया, इसमें महाप्रभु आने वाले वही तो ये काम कर सकते हैं। इसलिए वो क्या करते थे, गंगा जल और तुलसी मंजरी दे करके उन्होंने महाप्रभु को उन्होंने आह्वान करते थे, बुलाया करते थे, हैं। इसलिए वहाँ पर कहते तब्बे से कहते अगर ये जगत में हैं, अगर इसी जगत में अगर मैं अपना प्रभु को नहीं प्रकट नहीं कर पाया तो वो कहते थे मेरा नाम अद्वैत नहीं, मतलब जरूर इसी जगत में मैं सचिनंदन गौर हरि मेरे प्रभु को जगत में मैं जरूर मैं प्रकट कर लूँगा, हैं। इसलिए सही नवद्वीप वैसे पंडित श्रीवास, जहार मंदिर है चैतन्य विलास। उसी नवद्वीप में एक भक्त रहते थे जिनका नाम क्या था, श्रीवास पंडित, हैं श्रीवास पंडित। उसमें क्या होता था, श्रीवास पंडित में मंदिर में चैतन्य विलास, जहाँ पर महाप्रभु रोज जा कर के जिस श्रीवास अंगन में हरि कीर्तन रात भर हरि कीर्तन करते थे, और उनको घर जो श्रीवास अंगन देखे कि नहीं, श्रीवास अंगन नवद्वीप मायापुर धाम में, उसको कहते वो अभिन्न रास मंडल है, वो अभिन्न रास मंडल है, क्योंकि कलयुग में हरि कीर्तन ही कलयुग में रास, रास मतलब रस है, हैं। इसलिए कलयुग में असली रस किसी में, बोले हरिनाम संकीर्तन में ही असली रस है, इसलिए वो उनको रास मंडल मानी जाती है, जिनके घर में महाप्रभु रोज क्या करते थे, जैसे नित्य रास कृष्ण वृंदावन में नित्य रास करते थे, उनके घर में महाप्रभु रोज हरि कीर्तन करते थे उनके घर में। इसलिए वो क्या करते थे, कहते ये चार भाई थे, हैं ये चार भाई, और चार भाई क्या करते थे, पूरा परिवार को लेकर के चार भाई चार बहुएँ और उनके जितने बच्चे सब बैठ जाते घर में, सब बैठ जाते एकत्रित होकर के, बैठ करके मृदंग और मजीरा लेकर के क्या करते थे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सब कीर्तन करते थे, लेकिन श्री अद्वैत आचार्य जी तो बड़े दुखी होते थे। क्यों दुखी होते थे? इनको दुख का कारण क्या था? बोले कारण है कि ये महाविष्णु, कहते महाविष्णु करते हैं क्या, इनका काम क्या है? कहते माया अध्यक्षण प्रकृति श्रुते सचराचरम। तीन विष्णु हैं, एक कारणदुगसाई विष्णु, एक गर्भदुगसाई विष्णु और एक क्षीराब्दिसाई विष्णु। तीन विष्णु, बोले तीन विष्णु का काम क्या? ये कारणदा साई विष्णु का काम किया, बोले यही विष्णु जब वो माया के प्रति दृष्टि करते इखन करते हैं, ये माया खुबित होकर के हैं हैं जैसे क्या करती हैं, ये अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को सृष्टि करती हैं, है? अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को ये सृष्टि करती हैं। सृष्टि करने पर कहती है किसका काम है? कहती है कारणदा साई विष्णु का काम है। अभी अनंत करोड़ों ब्रह्मांड तो सृष्टि हो गया, लेकिन एक है गर्भदा साई विष्णु। गर्भवती साई विष्णु मतलब हर ब्रह्मांड में ये विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और पसीना से अपना पसीना से आधा ब्रह्मांड को पानी में भर देते हैं, भर करके जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुई, जिनके नाभि कमल से ये ब्रह्मा जी सृष्टि हुए। ब्रह्मा जी सृष्टि होकर क्या किया, जब उन्होंने देखा चारों तरफ पानी कहाँ जा रहे, बच बच क्या क्या कर, नहीं ठीक बच, इसलिए जब उन्होंने देखा चारों तरफ में पानी पानी, तब उन्होंने क्या किया, फिर कमल लाड में प्रवेश किया, फिर दो शब्द सुना त और प, तपस्या किया तो भगवान उनको ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कहती है किसका काम है? कहती है गर्भोदसाई विष्णु का काम है। कहते एक विष्णु हो गए क्षीराब्दिसाई विष्णु। कहते इनका काम क्या? बोले जितने जीव है सब जीव में का हृदय में ये एक अंगुष्ठ परिमाण जो परमात्मा है, सभी का जीव में परमात्मा है ना। कहते एक वृक्ष में दो चिड़िया निवास करते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। कहते हर जीव का अंगुष्ठ परिमाण में जो परमात्मा रूप में श्री खीरदों का साई सभी का हृदय में बैठे हैं। कहते ये तो किसी में इन्वॉल्व नहीं होते, ये केवल साखी रूप में बैठ करके देखते हैं, लेकिन ये जो जीवात्मा है और जो एक चिड़िया है ये क्या करता है, खट्टा मीठा फल खाता है। खट्टा मीठा फल क्या, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी, ये कौन होता है, ये जीव। लेकिन वो परमात्मा रूप में भगवान केवल साखी रूप में दर्शन करते रहते हैं, साखी रूप में दर्शन करते हैं, इसलिए साखी रूप में केवल दर्शन करते हैं, इसलिए उनको क्या क्या बताए, कहते ये क्षीराब्दिसाई विष्णु हैं, हैं ये अद्वैत आचार्य दुखी क्यों हो रहे, इनको दुखी होने का क्या कारण है? बोले कारण है ये जगत को सृष्टि करने वाले यही से सृष्टि हुई। अगर किसी पिता माता ने बच्चे को जन्म दिया लेकिन बच्चा अबाला हो गया, पिता माता का बात नहीं सुनता हैं, पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करता है और दिन भर खेलता कूदता दिन भर ये करता मस्ती रहता, लेकिन पिता माता का बात नहीं लगता, तो पिता माता दुखी होगा ना सुखी होंगे? दुखी होंगे ना। हर पिता माता क्या चाहते, बेटा मेरा अच्छा बने, लिखाई पढ़ाई करे बढ़िया से, नौकरी चाकरी करे, खूब पैसा कमाए, घूम खूब दुकान वकान कौन बनाए, यही चाहते ना पिता माता, तभी तो पिता माता खुश रहते हैं। इसलिए हमारे पिता माता कौन है, कहते ये अद्वैत आचार्य महाविष्णु हैं, ये सृष्टि करते हैं, लेकिन देखा ये बच्चे जिसने तुमको जीवन दिया, जिसने ये इंसान जीवन दिया, जिसके लिए तुमको ये मानव शरीर मिला, इसलिए आए थे हरि भजन को ऑटो न लगे कपास, भजन के लिए आए, लेकिन ये जीव क्या करे, भजन को छोड़ छाड़ करके हैं बस खा पी करके संसार में मस्त, भजने भजने से कोई मतलब इनकी नहीं। इसलिए ये चीज को देख करके कहते हैं श्री दुख भावी अद्वैत करेन उपवास, जब देखा
ये भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, ये क्या करते हैं? उपवास करते हैं। बोले उपवास क्यों करते हैं? बोले सकल वैष्णव गण छाड़े दीर्घ श्वास, और जितने वैष्णव भगवान महाप्रभु आएंगे, आने से पहले उनका गुरुवर्ग लोग आ गए, जैसे कृष्ण आने से पहले उनको पिता माता सब आ जाते हैं, महाप्रभु आने से पहले उनका गुरुवर्ग आ गए, और कुछ वैष्णव लोग भी आ गए। लेकिन वैष्णव लोग आ करके जब उन्होंने देखा कोई भजन नहीं करते हैं, इतने दुखी होते हैं वैष्णव लोग, दीर्घ श्वास छोड़ते हैं, दीर्घ श्वास समझते हो, बड़े दुखी होते हैं, कोई भजन नहीं करते, कोई भक्ति नहीं करते, बड़े दुखी हो रहे हैं। के नवा कृष्ण रे नृत्य, के नवा कीर्तन, कारे बा वैष्णव बोली कि वा संकीर्तन। इसलिए कहते उस समय का अवस्था क्या है, जैसे हम लोग यहाँ नाचते हैं ना, हैं बजरा करताल, लेकिन पहले यहाँ पर ऐसे कोई नाचते थे बड़ौदा में, कीर्तन में कोई नाचते थे? हम लोग जैसे कीर्तन लेकर के खूब नाच कूच करते हुए, खूब कीर्तन करते हुए, हम खूब कीर्तन नाचते कीर्तन करते हैं, पहले बड़ौदा में था ऐसे कोई करते थे? क्या कहते हैं? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं महाप्रभु आने से पहले, हैं महाप्रभु आने से पहले भैया क्या कृष्ण का नृत्य है, क्या कीर्तन है, हैं किसको वैष्णव कहते हैं, किसको संकीर्तन कहते हैं, किसको पता ही नहीं महाप्रभु आने से पहले, कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं था, हैं। और बल्कि ये तो करते नहीं थे, देखो और क्या कहते हैं, कहते सकल पाषंड मिली वैष्णव रे हासे, कह जितने पाखंडी लोग हैं ना, कह जितने पाखंडी लोग होते थे, हैं जब वैष्णव लोग कीर्तन हरि कीर्तन करते थे, लेकिन शादी में खूब पीपा अगर नाचेंगे डिस्को डांस के ऊपर में, हैं उसको कोई टोकेगा नहीं, लेकिन अगर प्रभु का कीर्तन करे ना बस टोकेगा। बोले कौन टोकेगा? देखो यह कह रहे, बोले सकल पाखंडी, जितने पाखंडी लोग होते थे वो क्या करते थे? वैष्णव को देख रहे हंसी उड़ाते थे, ये क्या है कीर्तन हरिनाम, ये क्या कर रहे सब, कहते ये कौन है? कहते पाखंडी, ये शास्त्र कह रहे, वेद व्यास कह रहे, वो सब के सब पाखंडी, ये सब के सब हैं, लेकिन शराब पी कर नाचे तो बड़ी वेरी गुड है, बढ़िया है, लेकिन प्रभु का कीर्तन में हैं, बोले ये सब क्या हो रहा है सब के सब। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ऐसे करते थे, हैं ऐसे सब के सब करते थे। कहते से कहते श्री स्वभाव में श्री अद्वैत आचार्य हृदय दयालु है, बड़े कृपालु, क्यों पिता है ना, जगत का पिता है ना, हैं पिता है, वो तो बच्चों के लिए सोचते हैं। कहते स्वभाव अद्वैत बड़े कारुण्य हृदय, स्वाभाविक रूप में हृदय इनकी बड़े दयालु है, क्योंकि जीवेर उधार चिंता हैया सदय, जीव का उधार कैसे होगा वो चिंता करते हैं। तब यहाँ पर कहते हैं अमार प्रभु यदि आसेन, अगर मेरे प्रभु इसी जगत में अगर आ जाए तो क्या होगा, परी दुनिया को हमने उधार कर देंगे, तब मेरा नाम अद्वैत सिंह, उनका कहते तभी मैं अद्वैत में सिंह हैं, अगर मैं सर्व जीव को प्रकट करके क्या करूँगा, संकल्प लेते हैं और एक चित्त होकर के भगवान की आराधना करते, प्रभु गंगा जल तुलसी दे करके उन्होंने भगवान को पुकारे, हे गौर हरि, हैं आप कृपा करके इसी जगत में अवतीर्ण हो। अभी जो श्रीवास पंडित, वो जो चार भाई थे, वो चार भाई बैठ कर जो हरि कीर्तन करते थे रोज गंगा स्नान, पहले लोग गंगा स्नान में जाते थे ना, आसपास में गंगा हो यमुना हो कोई पवित्र नदी हो, लोग अब पहले देखना बड़े दूर दूर तक चल कर जाते थे, हम लोग भी हमारे गांव में एक नदी होती थी बड़े दूर तक है 2-3-4 किलोमीटर, लेकिन हम चल कर इतना दूर जाते थे स्नान करने के लिए, हैं अभी भी जाते हैं लोग, जो गाँव के लोग जाते हैं गंगा जमुना में हो सब स्नान करने के लिए जाते हैं। कभी जो चार भाई थे, हैं ये चार भाई रोज गंगा स्नान हैं, और कृष्ण कीर्तन भगवान की सेवा पूजा। कहते हैं महाप्रभु का आज्ञा में सबके सब जितने हैं उनको गुरुवर्ग सबके सब जगत में प्रकट हो गए। और अभी एक आश्चर्य चीज बोले क्या है, महाप्रभु आने से पहले सब भक्त लोग आ गए, जब भक्त लोग आ गए लेकिन कोई किसी को नहीं जानते हैं, क्योंकि वहाँ कहता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम सहावतरी,
वो अपना परिकर धाम को लेकर के आते हैं। अभी सब वैष्णव लोग आ गए महाप्रभु आने से पहले, जब आ गए उसमें क्या है, सब भक्त लोग कृष्ण भक्ति सुन्नत देख कर तो बड़े दुखी होते हैं, लेकिन आपस में सबके सब हरि चर्चा हरि कीर्तन करते हैं वैष्णव लोग। अब देखना जैसे बड़ौदा में तो बहुत सारे लोग है, अब बता देते हैं ना बहुत सारे लोग है, लेकिन मंदिर में कितने लोग आते हैं, कितने लोग मंदिर में आते हैं, लेकिन जितने लोग मंदिर में आते हैं क्या करते हैं, हरि कथा हरि कीर्तन आपस में ठाकुर को उत्सव मनाते हैं, ठाकुर का कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सबके सब भक्ति करते हैं आपस में। और उसी समय श्री अद्वैत आचार्य का एक टोली था, उसको क्या बोलते हैं विद्यालय था, जिसमें अद्वैत आचार्य बच्चों को पढ़ाया करते थे, हैं बच्चों को पढ़ाया करते थे। अद्वैत आचार्य कौन, सदाशिव है ये, सदाशिव महाविष्णु सदाशिव है, इसलिए ये सदा शंकर जी क्या करते हैं पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, हैं शंकर जी महामंत्र जय जपत महेशा, इसलिए शंकर जी परम वैष्णव वैष्णवराम यथाशंभु, इसलिए जितने उनका जो टोली था उसमें सब जितने वैष्णव लोग आते थे, जिसमें सारे वैष्णव लोग भक्त लोग आते थे पढ़ते थे उस समय में। और अद्वैत आचार्य सबके गीता भागवत पुराण को कृष्ण भक्ति पर व्याख्या करते थे, और भक्त लोग इसमें संतुष्ट होते हैं भगवान कथा, बस उनका जीवन ही कृष्ण कथा है, जिनकी जीवन कृष्ण कथा, और उनको टोली में जा करके अद्वैत आचार्य की कथाओं को सुन करके भक्त लोग तृप्त हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, आपस में बैठ करके हरि कीर्तन करते थे, भगवान की भजन करते थे। हाँ इसलिए कहते पाखंड लोग हंसते थे, कहते इतने में क्या होता था, जो पाखंडी लोग देखो ये क्या, एक तो हंसी उड़ाते थे, दूसरा क्या करते थे, भले इनका कोई काम धाम तो है ही नहीं, और रात में ठाकुर जी सोते हैं, रात को ठाकुर जी सोते हैं ना सबके सब, और ये क्या करते रात भर कीर्तन करते हैं। अगर ठाकुर जी का रात में सोते हैं ना, और देखना चातुर्मास आने पर भगवान क्या करते, चातुर्मास से पहले ठाकुर जी सो जाते हैं, और कब उठते हैं, उत्थान एकादशी, लास्ट को जो एकादशी पड़ता है 4 महीना बाद में, उसका नाम क्या कहते हैं, उत्थान एकादशी। ठाकुर जी 4 महीना सोते हैं उसके बाद उठते हैं, लेकिन ये लोग कीर्तन करते थे रात भर, लेकिन पाखंड लोग क्या कहते थे, कहते तो ये जितने सबके से ढोंगी, ठाकुर सो रहे हैं रात को और ये कीर्तन करते करते ठाकुर को जगा देते हैं, कीर्तन करने से ठाकुर कोई सो सकता है, इसलिए ठाकुर को जगाते हैं। अगर ठाकुर जगेंगे क्या होगा, रात में ठाकुर सोते हैं ये कीर्तन करते, अगर ये जगेंगे तो क्या होगा, ठाकुर जी नाराज होंगे, अगर ठाकुर जी नाराज हो जाएगा ना क्या होगा, जगत में अकाल पड़ जाएगा, ठाकुर जी जब नाराज होंगे जगत में अकाल पड़ जाएगा, अगर जगत में अकाल पड़ जाएगा ना फिर क्या होगा, बोले हम सबके जाकर राजा को शिकायत करेंगे, ये 4 भाई और ये जितने वैष्णव लोग रात में कीर्तन करते हैं ठाकुर सोते नहीं देते, इसलिए जगत में ये अकाल पड़ गया है, इनको लेकर सब जेल में बंद करो सब कुछ, हैं इनको राजदूत भेजकर इनको जेल में बंद कर दो। इसलिए यहाँ कहते देखो अगर राजा को ये पता चला ना, ये यवन राजा मुसलमान राजा था उस समय, यवन राजा है, हैं इसलिए अगर ये लोग ऐसे कीर्तन करेंगे तो क्या होगा, नदिया में बड़ा दुख कष्ट प्रमाद आएगा, हैं इसलिए एक काम कर इनका घर फर उखाड़ करके ना फेंक दो, गंगा में फेंक दो सबके सब, गंगा में फेंक दो। लेकिन भक्त लोग ये चीज़ को सुन करके बड़ा कष्ट होते थे, देखो कहाँ भगवान की कीर्तन भजन जो करे ना, हैं इसलिए जो कर देखो ये इन लोगों क्या कहते घर पर उखाड़ करके उनको गंगा में बहा दो, हैं इसलिए हमारे प्रभुपाद जब आए ना भक्ति सिद्धांत सर से प्रभुपाद आए, हाँ एक गांव में एक भक्त ने प्रभुपाद से हरिनाम दीक्षा मंत्र लिया, और वो ब्राह्मण कुल में नहीं, पहले क्या होता था केवल ब्राह्मण लोग तिलक कंठी माला ठाकुर को पूजा कौन करता था, केवल ब्राह्मण दूसरे नहीं करते थे, हैं उतना नहीं करते थे, और उन्होंने गुरु प्रभुपाद से दीक्षा मंत्र लिया, दीक्षा मंत्र लेकर के अब तिलक कंठी माला, और गांव में ना पहले तो गांव में एकत्रित रहते थे ना, पहले ऐसे नहीं थे जैसे शहर जैसे नहीं, पहले गांव होता था, हर गांव में उनका सभा बैठता था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हैं अभी जैसे पुलिस के पास में कोई हो बोलते गाँव में कोई पुलिस के पास में जाते था कुछ होता था आपस में बैठ जाते थे, बैठ करके हर बात को सुलटा देते थे, हैं पुलिस फुलिस कुछ होता है नहीं, गांव में कुछ चीज़ हो सब मिलजुल करके सारे काम को मिलजुल कर करते थे, और इनका सब विरोध हो गए, बोले ये सब क्या कंठी माला तिलक ये सब के सब,
ये ब्राह्मण का काम है, हैं। और ये पहले हमारे साथ में बैठ कर बीड़ी फूंकता था, मांस मछली खाता था, हमारे साथ में बैठता नहीं व्यक्ति, हैं, और भोज में बैठता नहीं। सबके सब उसका विरोध हो गए। जब विरोध हो गए, इतने में उनकी बेटी की शादी हुई। बेटी की शादी में इन लोगों ने क्या किया, एक तय किया गांव में बेटी की शादी के लिए। जब तय किया इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे शादी होता है ना, और ये हो गया वैष्णव। वैष्णव तो आप पता होगा, वैष्णव लोग मांस मछली खाते ही नहीं। तो इन्होंने जहाँ पर शादी की व्यवस्था किया, वो लोग भी ऐसे मतलब मांस मछली खाने वाले नहीं तय किया, लेकिन इनका विरोध सबके सब गाँव वाले बासा हो गए। क्योंकि गाँव में अक्सर करके जो भोज होता है हमारे उस तरह में, वो सब मांस मछली खाने वाले सब होते हैं। अगर ये नहीं हुआ ना, कहते कुछ नहीं हुआ। क्या ये दाल भात खाने के लिए बुलाया, दाल भात खाने के लिए क्या बुलाया तुमको, हैं। लोग ऐसे करते थे। तो उन्होंने शादी के लिए बड़े सुंदर आम कटहल और बढ़िया बढ़िया मिठाई फाटे व्यवस्था किया, लेकिन गांव लोग मिल करके इनका जो शादी को उन्होंने खराब कर दिया और उसको व्यक्ति को भड़का दिया गांव को। नहीं, इनका बेटी को साथ में अगर शादी कराओगे तो हम कोई भी तुम्हारी शादी में नहीं आएगी। उन लोगों ने मिल करके उनको शादी को बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया तो तब उन्होंने जो कटहल आम केले और बढ़िया बढ़िया फल मिठाई किया था ना, बोले तो फिर क्या करेंगे। फिर उन्होंने सबके सब मंदिर में ले आए प्रभुपाद के पास मंदिर में। ए ब्रह्मचारी खुश हो गए। ब्रह्मचारी खुश हो गए, बोले आम कटहल मिठाई, हैं, मिठाई सबके लाए मिठाई। फिर प्रभुपाद ने अभिशाप दिया है, प्रभुपाद ने अभिशाप दिया है, ये स्मार्त समाज ये भ्रष्ट हो जाए, ये स्मार्त समाज नष्ट हो जाए। प्रभुपाद अभिशाप दिया है, हैं। इसलिए सचमुच से एक दिन ऐसे आएगा कि जात पात, अभी देखो क्या हो रहा है, ब्राह्मण का लड़की को शूद्र ले शादी कर रहा है, शूद्र लड़की को ब्राह्मण शादी, लव मैरिज हो रहा है ना। लव मैरिज में कोई जात पात का कुछ देखते नहीं, नहीं देखते तो सब उल्टा पुल्टा, धीरे 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 सब उल्टा पुल्टा, सब उल्टा पुल्टा होने लग गए। इसलिए यहाँ पर यही बात को यहाँ पर कह रहे हैं, हैं, क्या कह रहे हैं, ये सबके सब भक्त लोग बड़े दुखी होते हैं। कोई कीर्तन तो करते नहीं, भजन तो करते नहीं, और भजन करने वालों के ऊपर में अत्याचार, भक्त करने ऊपर में अत्याचार, भक्त बड़े दुखी होते हैं। तब अद्वैत आचार्य भक्तों का हैं यहाँ पर कहते हैं, अगर मैं इस जगत में महाभगवान को नहीं ला पाया, महाप्रभु को, अद्वैत आचार्य जो क्रोधित तो होकर कह रहे हैं, मैं हाथ में सुदर्शन चक्र लूँगा, क्योंकि महाविष्णु है ना, महाविष्णु सुदर्शन चक्र लेकर दुनिया को मैं ध्वंस कर दूंगा। कभी कभी आवेश में आकर के क्रोधित तो होकर कहते, दुनिया को मैं ध्वंस कर दूंगा अगर महाप्रभु के जगत में मैं अवतीर्ण नहीं करा पाया तो। इसलिए उन्होंने वास गंगा तुलसी दल देकर के आह्वान किया, और जिनको आह्वान से इसी जगत में श्री सचिनंदन गौर हरि महाप्रभु जगत में अवतीर्ण हो गए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय। इसलिए कल हम सुनेंगे, कहते श्री नित्यानंद प्रभु क्यों, जैसे कृष्ण आने से पहले बलदेव प्रभु जन्म लेते हैं, कृष्ण से पहले बलदेव जन्म लेते हैं, वही बलदेव अभिन्न कौन, नित्यानंद प्रभु। कैसे महाप्रभु से पहले कैसे श्री नित्यानंद प्रभु कैसे जन्म लेते हैं, वृंदावन दास ठाकुर अपना गुरु जी की कथा सुनाते हैं, श्री बलदेव प्रभु का कथा, नित्यानंद प्रभु का कथा। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। धावा नाला सामा संसार धने दग्ध जीव कुला उधार कारणी करुणा वारी द कृपा वारी दानी बंदी से गुरु चरण कमला नृत्य गीत वाद श्री हरि कीर्तने राय नवागना महामत मने रोमांच कंपासु हाय गौर प्रेमे बंदी से गुरु चरण कमल सदारत विग्रह सेवने सिंगार दिया मंदिर मार्जने करे नी जुत अनुगत जनी बंदी से गुरु चरण कमला।
प्रसादन कृष्ण अति स्वादु है भक्त स्वादने निज तृप्त रहे बंदी से गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप गुणे अनंत माधुर्य लीला स्वादने लुब्ध चित्तहिनी अन प्रतिशनी बंदी से गुरु चरण कमल प्रज युव द्वंद प्रति संवर्धने युक्ति कर सकी सन वृंदावने अति दक्षता है प्रियतमा गने बंदी से गुरु चरण कमल सर्वशास्त्री गाय श्री हरि को भक्त गण भावे सही अनुरूप किंतु जिनी प्रभु प्रियतमा रूप बंदी से गुरु चरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाए जार प्रसाद अन्न गति नाये त्रिसंध कीर्ति तब जानी भाई बंदी से गुरु गुरुदेवाष्टक अति जत्न करी ब्राह्मी मूर्ति पड़े उच्च करी वृंदावन नाथ साक्षात श्री हरि सेवा पाए से वस्तु काल बंदी से गुरु चरण गुना सिंधु गुरु चरण जय गुरु Thank you.
कृष्ण चैतन्य आवश्यक चारे भा
चारिते कहर सकति अवनी बेतरे तुम्हार चरण नाथ Yeah.
त्याग प्रेम भक्ति वंचरे करे आ भक्ति वंचा जे करे गौरचंद्र आनंदिता अंतरे पसंद खंड नित्यानंद संगे रंगे बिहारे कोई भजन और के जी कौन सा अष्टकम गिरधारी चैतन्य मुखर उनको दे देना तुम कोई वैसे भजन गा लो वो गा लेगा उसको बोले जीव जाग जीव जीव जाग जीव जाग गोरा चांद बोले सत निद्रा जाओ माया तुस चीर कोले सत निद्रा जाओ माया तुस चीर को भजिब बोलिया ऐसे संसार भीतरी आ भूलिया रही ले अब दर शिवार हरि नाम महामंत्र कह तुम्हें मागे हरि
पाइल मागिया। ठाकुर भक्ति बिनो, ठाकुर भक्ति बिनो, भक्ति बिनो, ठाकुर भक्ति बिनो। पानी कहीं से गिर रहा है ना? वृंदावन विहर तो आपको लिखा बड़ा वृंदावन बिहर तोरी अकेली कुंजे माता दीपा प्रवर अवतु कवि ब्रह्म मेरा संदर सया स्वयं बदार बिंद द्वंदम मई देवी कृपा प्रसाद आ देवी का कुबर दाचा जाचे निपद भुवि दंडवत उद्भटार्थी आशा प्रसाद मबुदश जन कृत्वा गांधर्विके निज गणी गणनाम पिदे श्यामी रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जग जन श्याम स्वभाव भुज बंद राम इंदिरा विरल रूप भरा भजामी तम प्रज दीन मुदिर छिना मुक्त चरणा च विदेह देवी कुंजे ब्रजेन्द्र तनय विराजमानी नक्तम कदा प्रमुदिताम विसारयसे कुंजे प्रसुन्न कुलका लित केलिताले संवेष्टयो मधुर नर्म विलास भाजो गोत्रयार वर्णयो चरणाभक्तानी संभाहिष्यति कदा युवयोर्जनोऽयं त्वत्कुण्डरोदसि विलास परिश्रमेण वेदाम्बुचुम्बिवदना गुरुः श्री अवा वृन्दावनेश्वरि कदा तरुमूलभाजौ संवेजयामि चरणीचरणचामरेण लीलां निकुञ्जकुहरे भवती मुकुन्दे चेत्रैव सुचितपतिरुचिराखिनां त्वन्ना कदाने से बाजोदी को फल को सुनो जीतना पठति प्रयत्न सा प्रयास सह नित्यधृत प्रमोदा तत्र प्रसाद लहरी मुररी करोति विदेह
कांधर्विके निज गणे गणनाम विदे कांधर्विके निज गणे गणनाम विदे जय राधे जय कृष्ण हे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण मनिंद्र बिंद मनिंद्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करी ससीयम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रबाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्री कोमल वरावय प्रभूत संपदालय सदा करी ससीयम कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुरभ्रुवम सवीभ्रम ससभ्रम त्रिगंत वायन पातने निरंतरम वशीकृत प्रसीति नंदनंदने कदा करी ससीयम कृपा कटाक्ष भाजनम तरी सुवर्ण चंपक गौर विग्रहे मुखा प्रभा परास्त कोटि सार बिंदु मंडल विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचन कदा करी कृपा कटाक्ष भाजन मदोन्मदादि गौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन्न कुंजराज कामकेलि कोविदे कदा करे ससीयम कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष हाव पावती रहिर हार भूषिते प्रभु प्रसाद कुंभ 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 कोस्तनि प्रसाद मंदहास चुन पूर्ण सौख्य सागरे कदा करी ससीयम कृपा कटाक्ष भाजनम प्रणाल बाल वल्लरी बितान मंडोलते लताग्रलास लोळलील लोचनावलोकने कटाक्ष भाजनम सुवर्ण मालिकांचित त्रिरेक तंबु कंठके त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीप्ति सलोल नील कुंतल प्रसूर्ण गोच गुंपिते कदा करी ससीयम कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब लंबवान भुजबलेनलारुणि प्रशस्त पापमाद्र मंजुले करेन्द्र शूल दंडिका परोऽसौ वदोरुहे कदा कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र
बंद कर दो बंद है क्या।